हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक तार की चाशनी बनाना बताऊंगी जो गुलाब जामुन में यूज़ की जाती है। तो देखिए मैंने क्या क्या सामान लिया है उसको बनाने के लिए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने चीनी ली है, इसको मैंने अभी नापा नहीं है किसी भी बर्तन या किसी भी चीज़ से। इसके बाद दूध लिया है, पानी लिया है और गुलाब की पत्तियाँ ली हैं। गुलाब की पत्तियाँ जो हैं ऑप्शनल हैं, इसकी जगह आप गुलाब जल या इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चाशनी। इस चाशनी का यूज़ हम लड्डू और बाकी जो भी मिठाइयाँ बनाते हैं उसमें करते हैं। देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो चीनी डालने के लिए मैं एक कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं दो कटोरी भर के इसमें चीनी डालूँगी। इस तार की चाशनी बनाने में, एक तार की जो चाशनी बनाते हैं हमें, उसमें ये ध्यान रखना है कि हम जितनी चीनी डालेंगे उसका आधा हमको पानी यूज़ करना है। जैसे दो कटोरी हम चीनी डालेंगे तो हमें एक कटोरी पानी का यूज़ करना है। तो देखिए मैंने एक कटोरी चीनी डाल दी है, अब मैं एक और कटोरी डाल रही हूँ इसमें। अब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए मैं एक कटोरी भर के इसमें पानी डाल दूँगी। गैस को मैंने चालू कर दिया है। अब हम इसको आराम से चलाते हुए फुल फ्लेम पर ही, जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको चलाते हुए पकाना है। ये देखिए आज मैं आपको एकदम साफ़, बिल्कुल साफ़ चीनी बनाना बताऊंगी। चीनी एक तार की चाशनी जो है वो एकदम साफ़ बनाना बताऊंगी। इसमें ये आजकल जो चीनी आती है, भले पैकेट वाली ले आओ चाहे कैसी भी, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा पीलापन देती है। तो इसीलिए आज मैं आपको बिल्कुल साफ़ एक तरीका बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल साफ़ चाशनी बना सकते हैं। हम इसमें दूध का यूज़ करके और साफ़ चाशनी बनाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से चलाते हुए हमको हमारा चाशनी जो है तैयार करना है। तो बना रही हूँ मैं इसी तरीके से। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए चीनी पानी हमारा गर्म होने लगा है, चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। जब तक मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको चलाते हुए पकाना है। तो चीनी मेल्ट होने लगी है लगभग, देखिए इसी तरीके से आपको चलाना है, वरना साइड में जो है चीनी जमने लगती है तो फिर उस तरीके की चाशनी नहीं बनती है अच्छी। इसीलिए चीनी को इसी तरीके से चलाते हुए हमें पकाना है। देखिए मैं चला रही हूँ इस तरीके से। देखिए चीनी हम कप बिल्कुल मेल्ट हो गई है चीनी हमारी। देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गई है चीनी हमारी। अब हमको इसमें अच्छे से चलाना है इसको। देखिए कैसे हमारा कलर दिखने लगा है, अब तो चीनी बॉईल होने लगी है अच्छे तरीके से। तो देखिए चीनी में उफान आने लगा है। जब ये चीनी में की जो चाशनी है उसमें उफान आने लगे तभी हमको दूध इसमें डालना है। ये देखिए अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध डालने से जो चीनी के में जो गंदगी है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो साइड में आ जाएगा कढ़ाई के। तो देखिए जब बॉईल होगी दूध में चीनी, तो एकदम से देखिए बॉईल होगी तब उसमें फैन इकट्ठा हो जाएगा साइडों में। ये देखिए इकट्ठा होने लगा है, वो अपने आप इकट्ठा होने लगता है। ये देखिए साइडों में इकट्ठा होने लगा है। साइड में जब इकट्ठा हो जाएगा ये, तो हम इसको किसी भी छलनी या फिर किसी भी ऐसे जाली वाले चीज़ की सहायता से इसको निकाल देंगे पूरी। इसको जो फैन इकट्ठा हुआ है इसको हम निकाल देंगे, या फिर आप गर्म में नहीं निकालना चाहते तो इसको ठंडा होने दें इसको, चाशनी को। इसके बाद साइड से इसको निकाल दें। तो मैं इसमें से अभी इसको निकालूँगी। तो देखिए साइड में जो है इकट्ठा होने लगा है। देखिए कितनी गंदगी चीनी में से निकली है। वैसे देखने में हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी लगती है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल साफ़ है चीनी हमारी, फिर भी देखिए उसमें कितना वो निकला है। ये देखिए अच्छे से बॉईल होने लगी है और पूरी गंदगी हमारी जो है साइड में आ गई है। अब हम इसमें से जो है एक छलनी की हेल्प से, जो लोहे वाली आती है, जो स्टील वाली आती है, उससे हम इसको निकालेंगे। मैंने गैस को बंद नहीं किया है। ये देखिए इसको हम एक कटोरी में या किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। मैं इसको निकाल रही हूँ। अब देखिए चाशनी हमारी एकदम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है इसमें, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है इसमें। ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी बनी है हमारी चीनी की चाशनी। इस तरीके से आप एक तार की चाशनी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी चाशनी किस तरीके से कैसी बनी है।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इतनी इसमें गंदगी निकली है, अब मैं इसमें जो है अब हम इसमें गुलाब की पत्तियां जो है ऐड कर देंगे। मैं गुलाब की पत्तियां डाल करके गैस बंद कर दूंगी और बस इसको ठंडा होने पे आप जो भी बनाएं वो बनाएं, इसमें रसगुल्ले बनाएं, इसके लड्डू में यूज़ करें, गुलाब जामुन बनाएं, जिस भी चीज़ में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं उसमें यूज़ करें। और कितना सरल तरीका है इसको बनाने का और बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है। देखिए कितनी साफ़ सुथरी बनी है एकदम चाशनी जो है हमारी। थैंक यू।